There are two partners. Illustration number 4. There are two partners. Akhil and Bharat are partners. जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, यानी अगर 5 रुपीज कमाएंगे तो 2 रुपीज अखिल के रहेंगे एंड 3 रुपीज किसके रहेंगे, भरत के रहेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे PSR, दैट इज 2:3, यानी इट इज 2/5 and 3/5, राइट? ठीक है, अच्छा। उनकी कैपिटल दी है, कैपिटल मीन्स क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो भाई अखिल ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 2 लाख रुपीज, जबकि भरत ने इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपीज, राइट? समझो पूरी बात को कि दोनों के बीच में PSR है 2:3, अखिल 2 लाख रुपीज ला रहा है जबकि भरत 1 लाख रुपीज ला रहा है। मोर ओवर ऐसा लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2019 अखिल एंड भरत गेव अ लोन ऑफ 4 लाख and 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। देखो मान लो ये फर्म है और ये ए और बी पार्टनर है, इन्होंने फर्म को लोन दी है। कितनी लोन दी है तो वो हम लिख देते हैं अलग से। द लोन इज गिवन 4 लाख रुपीज and 2 लाख रुपीज, राइट? आई होप यू आर गेटिंग मी, बराबर। तो दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन, इतनी चीजें हमको दी है। एट क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है, देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो देवन साहब क्या लेते हैं, 6% पर एनम। कल हमने सिखाया रीजन के अगर कोई टर्म्स आप में डिसाइडेड ना हो या तो आपका ओरल एग्रीमेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमको कितनी देनी चाहिए पार्टनर को, दैट इज 6% पर एनम, बराबर। तो हमको पूछ रहे हैं डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हमको ढूंढना है पूरी फर्म में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है कि क्या होता है, वो हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि हमको अलग अलग केसेस दिए हैं कि अगर केस वन के अंदर ऐसा बोल रहा है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट बराबर दैट इज ऑफ 25,000, राइट, दैट इज ऑफ 25,000 रुपीज का प्रॉफिट, बराबर, समझना बहुत ध्यान से। तो हमको बोल रहे हैं कि पार्टनर को ये जो प्रॉफिट होगा वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। मुझे ये बताओ कि केनाई से सबसे पहले हम पार्टनर को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो चलो 25,000 रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास, राइट, केनाई से इसमें से हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, यस और नो? मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो केनाई से हम कितनी लोन देते हैं, 6% देते हैं। बट यहाँ बात ध्यान में रखने जैसी ऐसी है कि लोन है ना हमने 1 अक्टूबर को दी है, राइट? तो कैन आई से अपना जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी ऑफ 6 मंथ्स आएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है, अपना जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी ऑफ 6 मंथ्स आएगा। तो यार मैं अगर ए का इंटरेस्ट की बात करूं और बी का इंटरेस्ट की बात करूं, मैं सेपरेटली ही दोनों का इंटरेस्ट ढूंढ लेता हूं। सी, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट मीन्स क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, I=PRN/100। अगर मैं ए के इंटरेस्ट की बात करूं तो ए की टोटल कैपिटल कितनी, टोटल लोन कितनी है, दैट इज 4 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6/100 एंड नंबर ऑफ मंथ्स आर 6/12। तो कैन आई से, यस, तो कैन आई से ये क्या आंसर आएगा, वेरी गुड। कैन आई से उसी तरह बीस का इंटरेस्ट हम ढूंढे, बी का इंटरेस्ट ढूंढे, तो दैट इज 2 लाख × 6/100 and × 6/12। तो कैन आई से इट इज 2 लाख × 6% × 6/12, दैट विल बी 6,000 रुपीज, यस और नो? द थिंग इज दैट हमारे पास प्रॉफिट, मान लो अभी मैं रफली पीएनएल अप्रोप्रिएशन या तो पीएनएल बना रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूं मेरे पास प्रॉफिट कितना था, एक सिंपल चीज समझो, मेरे पास नेट प्रॉफिट था 25,000 रुपीज। उसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहता हूँ, किसको देना चाहता हूँ, कैन आई से ए और बी को देना चाहता हूँ। तो कैनआई से ए को लोन का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। तो कैनआई से टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 18,000 आएगा, यस और नो? टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 18,000 आएगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि मेरे पास टोटल अभी कितना प्रॉफिट बचेगा, सर मेरे पास 7,000 का प्रॉफिट बचेगा क्योंकि 25,000 क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड 18,000 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7,000। और वो प्रॉफिट कैनआई से ए और बी के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट विल बी
3/5 एंड 2/5, तो बायो बैंड ऑफ 7000 इनटू 3/5 करोगे तो यू विल गेट 4200 ईयर एंड यू विल 200 एंड यस और नो फ्रेंड्स, किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, यस और नो, सबको पता चल रहा है क्या? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मेक योर वीडियो ऑन, यस सर, चल रहा है बराबर, 101% यू आर गेटिंग मी बराबर, यस सर, ओके ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट केस राइट, ठीक है, नाउ सी फ्रेंड्स सेकंड पोर्शन समझते हैं बराबर, सेकंड पोर्शन ऐसा लिखा है कि व्हाट विल बी द आंसर इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 15,000, यानी हमारे पास अगर खाली 15,000 का प्रॉफिट होगा तो क्या सिचुएशन होगा राइट, तो चलो केस नंबर ए ये था प्रॉफिट 25,000 का था, केस नंबर बी समझते हैं जिसके अंदर वी आर हैविंग द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000 राइट, मान लो हमारे पास खाली 15,000 रुपीज का प्रॉफिट था तो ये सिचुएशन क्या होती राइट, सी तो आई विल राइट डाउन हियर नेट प्रॉफिट इज ऑफ 15,000 राइट, और यार इंटरेस्ट ऑन लोन तो 18,000 है, देखो अभी अगेन एंड अगेन विश्व हमको ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है राइट, सी इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी की बात करें तो दैट इज 12,000, 6,000 दैट इज 18,000 राइट, तो द डिफरेंस इज ऑफ 3,000 रुपीज, तो यार एक सिचुएशन समझो चीज ऐसी हो गई कि मेरे पास प्रॉफिट खाली 15,000 था और एक्सपेंस 18,000 का आ गया, समझो बात को, आपके पास 15,000 रुपए है और आपका एक्सपेंस 18,000 का आ गया है, तो कैन आई से 3,000 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रीति आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, सी आपके पास खाली 15,000 थे और आपका एक्सपेंस 18,000 का हो गया तो आपके आपको ये क्या माना जाएगा, इट इज वन टाइप ऑफ लॉस, यस और नो, और लॉस होता है तो ये साइड आता है, जैसे प्रॉफिट ये साइड डेबिट साइड आता है तो कैन आई से लॉस ये साइड हम लिखेंगे, कितना लॉस आएगा तो चलो ढूंढ लो 3,000 इंटू 2/5 एंड 3/5, कैन आई से इट इज 1200 एंड 1800, आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो, आर यू गेटिंग मी गाइस, पता चल रहा है, यस और नो, 101% यू आर गेटिंग मी बराबर है, yes, विश्वजीत डन है, डन है विश्वजीत, ठीक है, ओके, नाउ सी इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 25,000 तो क्या सिचुएशन होगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने तो उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे, केस नंबर थ्री में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, केस नंबर थ्री के अंदर हमारे पास प्रॉफिट नहीं लॉस है, हाँ भाई लॉस है तो क्या करे भाई, लॉस तो लॉस है, चलो लॉस कितना है, नेट लॉस कितना है हमारे पास, देखो एक चीज ध्यान में रखने की अक्षत, अगर प्रॉफिट होता है तो ये साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो उसी तरह लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, ओवरऑल लॉस इन दिस केस इज 25,000 रुपीज, यस और नो, यहाँ 25,000 रुपए का क्या है हमारे पास लॉस है बराबर, ठीक है, अभी ये लॉस को दूसरा आपका एक और एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन लोन जो ए और बी का है दैट इज 12,000 एंड 6,000, तो कुल मिला के 18,000 का और लॉस है, यस और नो, लॉस इन द सेंस आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस की वजह से आपका लॉस बढ़ रहा है, तो कुल मिला के 25,000 का तो लॉस था ही रुकमणी, दूसरा 18,000 का लॉस हो गया, तो कुल मिला के बात करते हैं तो 43,000 का लॉस हो गया भाइयों बहनों, और ये 43,000 का लॉस ए और बी के बीच में 2:3 यानी 2/5 एंड 3/5 के रेशियो में चला गया, यस और नो, तो कहने से 43,000 इंटू 2/5 करोगे तो यहाँ आएगा 17,200 और यहाँ क्या आएगा 25,800 बराबर, आप क्या करोगे 43,000 इंटू 2/5, 43,000 इंटू 3/5, रुक्मणी प्रीति मोहित अक्षत क्या आपको पता चल रहा है, और बाकी जो पुराने प्लेयर्स है उनको भी पूछ रहा हूँ, आपको पता चल रहा है विश्व, yes, पता चल रहा है हेमंत, क्रिश डन है, तो आपको नोट डाउन करना हो तो ये सब नोट डाउन कर लो, द सम इज ओवर एक्चुअली, केस नंबर 4 इज डन बराबर है, डन है, ठीक है ना, ओके, आई होप यू हैव रिटन दिस सम, ओके ठीक है, अपने अच्छे से प्रेजेंट किया, देखो इन लोगों ने डायरेक्ट लिखा है अच्छे से ही लिखा है, बट हमने पीएनएल अकाउंट बना के लिखा तो आपको ज्यादा पता चला राइट, ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स सम नंबर 7, देखो अभी थोड़ा बड़ा सम है, सी ए एंड बी पार्टनर है,
उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख एंड 3 लाख रुपीज की कैपिटल, कैपिटल यानी यू नो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इनटू द फर्म दैट इज कॉल्ड कैपिटल, बराबर। ऑन 31 अक्टूबर 2019 मिस्टर ए गेव रुपीज 2 लाख लोन टू द फर्म। तो कुछ इंटरेस्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो कैन आई से व्हाट वी विल अज्यूम इट इज 6% पर एनम, यस और नो, व्हाट वी विल अज्यूम इट इज 6% पर एनम, बराबर। फिर लिखा है नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। नाउ द थिंग इज दैट बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है वो सब कुछ मैं बताता हूँ, बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या आप सबको पता तो चल रहा है वो लोग क्या बताना चाहते हैं कि भाई मिस्टर ए ने लोन दी थी बट वो लोग एग्री नहीं हो रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करें। समझो मिस्टर ए लोन देता है तो ऑब्वियसली फर्म के लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा उसका इंटरेस्ट, जबकि पार्टनर के लिए वो इनकम होगा। वो तो पता है ना सबको यार, ये पार्टनर है और पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कहने से ये फर्म है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, बट पार्टनर के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम। ये तो पता है ना भाई सबको, यस और नो, क्या ये मैटर सबको पता है? Yes, सर में मत रहना, सारे डाउट हम सॉल्व करेंगे, राइट? ठीक है, अच्छा। नाउ सी फ्रेंड्स, अभी इसका सॉल्यूशन कैसे करें? मैं तो बोल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट के साथ साथ मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ क्या पीएनएल अकाउंट भी बना दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अभी टेम्पररी ऐसा समझो, दोनों सेम है, आई नो दोनों अलग है, बट टेम्पररी ऐसा समझो क्योंकि मैंने अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या है वो समझाया नहीं है, इसीलिए अभी टेम्पररी आप पीएनएल अकाउंट के अंदर सॉल्यूशन करो। सी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। कैपिटल अकाउंट 11 स्टैंडर्ड के अंदर याद है आप ऐसा करते थे, याद करो, ओपनिंग कैपिटल होती थी प्लस एडिशनल कैपिटल लिखते थे, प्लस प्रॉफिट लिखते थे, माइनस ड्रॉइंग लिखते थे, राइट? ये सब आप करते थे, माइनस लॉस लिखते थे, फिर क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। अभी ये सब नहीं करो क्योंकि वो आप प्लस माइनस के फॉर्मेट में दिखाते थे, जबकि ट्वेल्थ के अंदर वो प्लस माइनस का फॉर्मेट नहीं चलेगा, आपको ट्वेल्थ के अंदर प्रॉपर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, राइट? तो जिस तरह से मैं बनाऊ उस हिसाब से आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ आप लिखोगे डेबिट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट। तो बेटा बच्चों अपने समझो कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, तो बेटा दैट इज 4,30,000, राइट? तो कोई भी प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड लिखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट इज 4,30,000, राइट? समझना बहुत ध्यान से। अभी आप उसमें से 2 लाख रुपीज की लोन है, लोन पे आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो कैन आई से यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन, कैन आई से यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा लोन कितनी है, तो भाई लोन इज ऑफ कितने रुपीज की है, 2 लाख रुपीज की है, कैन आई से उस पे कितना लोन का इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं बोला है तो हम कितना लेंगे, कैन आई से इट इज 6%। बट बेटा लोन की डेट तो देखो कौन सी है, 31 अक्टूबर 2019। तो बच्चों याद करो लोन कहाँ से हमने लिए, 31 अक्टूबर से, तो कैनआई से आपका इंटरेस्ट नवंबर से लगेगा, राइट? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो कैनआई से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों पूरे साल का नहीं लगेगा? अरे भाई जब से आप लोन लोगे तब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि नहीं, सही बात है कि नहीं विश्वजीत, सही बात है कि नहीं प्रीति, बराबर है कि नहीं भाई? तो बेटा याद रहे कि जब आप जिस दिन लोन ले रहे हो उस दिन से आप काउंट करो। आपको अलग से दिखाना हो तो अलग से दिखाओ कि भाई आपने लोन 2 लाख रुपीस की ली थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कुछ नहीं बोला है तो 6% है। और बेटा ये भी ध्यान रखो कि आपने कहां से लोन लिए, तो भाई आपने 31 अक्टूबर से लिए, तो कहना से 1 नवंबर से 31 मार्च तक का टाइम, तो कहना से यू विल राइट हियर 5 अपॉन यस और नो, तो 2 लाख * 6% * 5 / 12 एंड यू विल गेट द आंसर 5000 रुपीस। 5000 समझ में आ रहा है, पक्का पता चल रहा है? यस और रो, यस और रो बेटा, पता चल रहा है भाई? जिनके यस सर एरर नहीं है वो तो वीडियो जिसके जिसको नेटवर्क एरर नहीं है वो वीडियो ऑन करो, बराबर। वैसे तो पेरेंट्स मीटिंग के टाइम तो सबने बोला था नहीं हमारे वहां तो कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है, राइट? तो डिफरेंस विल बी 4,25,000,
नाउ सी दिस 4,25,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर. मुझे ये बताओ कहीं पे भी लिखा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो कैन आई से कौन सा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यस और नो. तो कैन आई से ए और बी की बात करें तो ये जो 4,25,000 बच्चों बचा था, तो कैन आई से दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन टू पार्टनर, दैट विल बी 2,125,000, 2,125,000, यस और नो? समझ में आ रहा है? प्रीति, रुक्मणी, यस पता चल रहा है. मोहित, हेमंत, विश्वजीत, यस सबको पता चल रहा है. देवन, क्या सबका साथ चल रहा है? तो भाई प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट है. और पार्टनर के लिए जो भी अच्छी चीजें होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, राइट? अच्छी चीजों को क्रेडिट करने का, बुरी चीजों को डेबिट करने का. तो कैन आई से व्हाट वी विल राइट प्रॉफिट? कितना है? 212,500. अरे भाई पार्टनर कैपिटल भी लाया था, और याद करो 11th स्टैंडर्ड कैपिटल, दैट मींस क्या? कैपिटल इज वन टाइप ऑफ वॉट? कैपिटल इज वन टाइप ऑफ वॉट? लायबिलिटी तो ऑब्वियसली वो यहाँ लिखे गए. बैंक से आप कितने लाए थे? 5 लाख रुपीज लाए थे एंड 3 लाख रुपीज लाए थे, यस और नो? बराबर है, ठीक है. ऑब्वियसली इट इज कैपिटल, और कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट? तो कैपिटल क्या हो रहा है चेक करो, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है. कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे, राइट? अच्छा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन की इफेक्ट कई लोग यहाँ देते भी है, और जैसे कई लोग यहाँ नहीं भी देते हैं, तो मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि चलो अभी यहाँ टोटल करो. तो चलो टोटल करो तो क्या आ रहा है? 712,500. अभी कुछ भी आप समझो डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा वही का वही बैलेंस आपके पास रहेगा, 712,500 and 512,500, राइट? जिसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन, या तो आप क्लोजिंग बैलेंस, मेरी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हो. क्या आप सबको पता चल रहा है? यस और नो? अच्छा, अभी लोन की एंट्री भी सिखा रहा हूँ. वैसे लोन का अकाउंट बनाने का वो छोड़ो ना, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ लोन का अकाउंट का है ना अभी मत रखो. क्यों? क्योंकि जब आपका डिसोल्यूशन, डेथ और रिटायरमेंट का चैप्टर आएगा ना, रिटायरमेंट का चैप्टर, तब ये लोन अकाउंट वाला रिपीट होने ही वाला है. अभी के पोर्शन के अंदर यू कैन स्किप, आप अच्छे से स्किप करो, हम तब चलाएंगे, तब इन डिटेल आपका आता है, राइट? उससे अच्छा है तब पढ़ेगी. यस, एनी अदर डाउट बेटा? क्या सबको सब कुछ पता चल रहा है? देखो आपको लिखना हो तो लिख दो, मैं जूम आउट कर रहा हूँ भाई. देखो मेहनत दिल से करो, रिजल्ट भी दिल से ही मिलेगा आपको, बराबर है? देवन भाई डन है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, यस सर, राइट? ठीक है ना भाई? अभी हमारा वो टाइम आ गया है कि जिसके अंदर पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस समझ ले, राइट? सी देखो 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये प्रोसीजर रहती है. सबसे पहले आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप बनाते हो पीएनएल अकाउंट, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. दिस इज योर फाइनल अकाउंट, राइट? अभी 12th के अंदर भी प्रोसीजर तो सेम ही है, खाली एक एडिशनल अकाउंट आपको बनाना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू विल प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, देन यू विल प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन यू विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. अभी ये जो दो एडिशनल बना रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है और उसका क्या मीनिंग है, बराबर? सी फ्रेंड्स, 11th के अंदर ऐसा था कि आप जो फाइनल अकाउंट पढ़ते थे ना, वो प्रोप्राइटरशिप के थे. प्रोप्राइटरशिप यानी वन मैन आर्मी, वही सब कुछ था बिजनेस के लिए. तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे. या अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है? आपका जो प्रॉफिट है वो 2-3 लोगों के बीच में बटने वाला है, अप्रोप्रिएट होने वाला है. क्या होने वाला है? अप्रोप्रिएट होने वाला है. दैट्स व्हाई आप एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो जिसको बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन. तो बेटा पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बीच में फर्क क्या है, राइट? तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है. यहाँ भी डेबिट एक्सपेंस होता है, क्रेडिट इनकम होती है, वहां भी यही होता है. बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं. क्या बोला मैं? पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस इनकम आते हैं, जबकि यहाँ नॉर्मल एक्सपेंस एंड इनकम आते हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू कि सैलरी है तो सैलरी पूरे बिजनेस का होता है, राइट? अगर मैं बात करूँ रेंट, तो रेंट सबको, आई मीन के रेंट इज आउटसाइड. आप समझो रेंट तो नॉर्मल भी आप देने वाले हो, क्या वो पार्टनर को देने वाले हो? पार्टनर का भी मैं समझाऊंगा. बट द थिंग इज दैट जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये सारी की सारी चीज आप पीएनएल में लिखोगे. बट मैं ऐसा बोलूं कि सैलरी टू पार्टनर है, अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा.
अगर मैं बोलूं आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो वो कहाँ आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। वो क्यों पीएनएल में नहीं आएगा? क्योंकि पीएनएल के अंदर खाली के खाली नॉर्मल एक्सपेंस आते हैं, नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस आते हैं। पार्टनर के रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाऊं कि कौन कौन से दोनों में आएंगे। एक बाजू पीएनएल लिख रहा हूँ और दूसरी बाजू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहा हूँ, राइट? ठीक है, तो देखो यहाँ आप क्या लिखोगे, स्टाफ की सैलरी लिखोगे, राइट? सैलरी टू स्टाफ, राइट? फिर आप लिखोगे दूसरे एक्सपेंस में, यहाँ आप लिखोगे जैसे कि यू विल राइट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यू विल राइट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, राइट? यू विल राइट रेंट एक्सपेंस, यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये जो नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे बेटा पीएनएल में आते हैं, राइट? तो सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर कौन सा एक्सपेंस आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या आएगा? तो भाई उसके अंदर क्या आएगा, खाली के खाली पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे और पार्टनर के रिलेटेड इनकम आएगी। उसके अलावा किस में आएंगे? तो दैट विल बी इन पीएनएल। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो? तो कौन कौन से है पार्टनर के रिलेटेड? तो भाई यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह नहीं से यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी आप बोलोगे कि सर कैपिटल डेबिट साइड तो ड्रॉइंग क्यों क्रेडिट साइड लिखा? एक चीज समझो, आप पार्टनर हो, आपने फर्म को पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो फर्म आपको सामने क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो फर्म आपको पैसा देगी तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया। और इसकी रिवर्स सिचुएशन ड्रॉइंग होती है, यू नो वेरी वेल कैपिटल एंड ड्रॉइंग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो कहने से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? फर्म के लिए इनकम हो जाएगा। तो कहने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आएगा। अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, समझो ऑफिस के लोगों को सैलरी दे रहे हो, तो वो पीएनएल में आएगा। बट अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो आप कहाँ लिखोगे उसको? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो कमीशन भी किसको दे रहे हो? पार्टनर को। तो पार्टनर के रिलेटेड है, तो पार्टनर के रिलेटेड है तो आप कहाँ लिखोगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यस, आई होप यू आर गेटिंग मी। तो बेटा पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बेसिक यही डिफरेंस है, पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बेसिक यही डिफरेंस है कि ये जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं जो पार्टनर के रिलेटेड नहीं होते हैं, बराबर, नॉट रिलेटेड विद पार्टनर, तो वो कहाँ आएंगे? पीएनएल में। और जो रिलेटेड होते हैं वो कहाँ आएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। बट सी व्हेन देयर इज अ रूल There must be some exceptions. तो यहाँ exceptions कौन कौन से है? Interest on loan of partner और दूसरा rent. अभी I know rent of partner. See, friends, सब कुछ जायज है, PNL appropriation के अंदर आप कुछ भी पार्टनर के रिलेटेड होगा तो लिखोगे, सब्जेक्ट टू आप दो चीज नहीं लिखोगे। कौन सी दो चीज नहीं लिखोगे? Yes. पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। भले ये पार्टनर के रिलेटेड है तो भी इसको आप किस में दिखाओगे? पीएनएल में दिखाओगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे। और दूसरा कौन सा है? रेंट। रेंट किसके? अगर मान लो मेरी मैं और मान लो ये हेमंत पार्टनर है, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की और हमको ऐसा लगा कि भाई ये जो शॉप है हम किसी और से ना ले, मैं अपनी मेरे नाम पे एक शॉप थी, मैंने मेरी फर्म को दे दी कि आप यूज करो, बराबर। तो फर्म से मैं रेंट तो कलेक्ट करूंगा ऑब्वियसली। तो भले ये रेंट पार्टनर को आप दे रहे हो, सी आप रेंट पार्टनर को दे रहे हो, ये पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस है, इवन दो आप उसको कहाँ दिखाओगे? पीएनएल में दिखाओगे। तो कौन से दो एक्सपेंस एक्सेप्शन में है? तो एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा है रेंट टू द पार्टनर। बाकी सारे के सारे इनकम और एक्सपेंस अगर पार्टनर के रिलेटेड है तो दैट यू विल शो इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सब्जेक्ट टू दिस टू एक्सपेंस। तो इसका शॉर्टकट हमने याद रखा था, एल यानी लेफ्ट, आर यानी राइट, एल आर, एल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, आर यानी रेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, एल आर, ये दो ही एक्सपेंस ऐसे है कि जो पार्टनर के रिलेटेड होने के बावजूद हम कहाँ डालेंगे उसको? पीएनएल में डालेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी।
क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब अपना वीडियो ऑन करो, चलो फिर से ऑफ कर दिया, क्या सबको सब कुछ पता चल रहा है, यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग मी, यस 101% यू आर गेटिंग मी, रुक क्या चल रहा है, बोलो यस विश्वा सर। अगर अगर पार्टनर फॉर्म ना लोन आप ही ऐसे तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में जैसे पार्टनर ने कैन यू आस्क इन हिंदी पार्टनर फॉर्म ने लोन आप ही मतलब पार्टनर कैन यू आस्क इन हिंदी हाँ हाँ अगर पार्टनर ही फॉर्म को देता है ना लोन बुक हाँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में ही आएगी दोस्त और उसका वाइस वर्सा आई मीन ऐसा बोल रहे फॉर्म पार्टनर को लोन देगी ऐसा बोल रहा तो भी पीएनएल में आएगा फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है ना भाई मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं बोल सकता हूँ मेरी फर्म को भाई मुझे पैसे चाहिए बराबर वो भी पीएनएल में ही आएगा समझ में आ रहा है बात यस और तो पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ज्यादा फर्क नहीं है रूल्स भी वही है सब कुछ वही है द थिंग इज दैट अलग क्या हो रहा है खाली के खाली ये जो क्वेश्चन अभी समझाया वो पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालोगे और सारे के सारे अदर एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ पीएनएल में डाल प्रीति पता चल रहा है अक्षत पता चल रहा है हेमंत पता चल रहा है मोहित विश्वजीत मैं सबका नाम बोल रहा हूँ सबको मुझे मैसेज में रिप्लाई करना है आर यू गेटिंग मी सब मुझे मैसेज में रिप्लाई करो चलो सब मैसेज में रिप्लाई करो चलो तभी हम आगे बढ़ेंगे आर यू गेटिंग मी चलो बेटा सब मुझे मैसेज में रिप्लाई करो प्रीति क्रिश वहाँ मैसेज में ऑप्शन है प्लीज राइट मी राइट आर यू गेटिंग मी गाइस क्या सबको सब कुछ पता चल रहा है ठीक है यस देन कई लोगों ने मैं दो नाम से ज्वाइन हुआ दूसरे में मैसेज कर दिया बट इट्स फाइन राइट यस आर यू गेटिंग मी प्रीति आपको पता चला बेटा खास यस आपको पता चला रुकमणी आपको जो लोग नए हैं उनको पूछ रहा हूँ आर यू गेटिंग मी ना बेटा कहीं पे भी डाउट आए वैसे होमवर्क करोगे तब भी डाउट आए तो बताना मैं वॉइस नोट के अंदर आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा राइट ठीक है तो बेटा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा नहीं होगा बहुत बड़ा समय राइट असीम एंड निहार वाला राइट ठीक है चलो तो स्टार्ट तो कर दे शुरू करेगा तभी तो खत्म होगा चलो तो लेट अस स्टार्ट सम नंबर 9 बहुत बड़ा समय और ये सम पूछने के चांसेस सच बताओ बहुत कम है क्यों क्योंकि ये चैप्टर में पूछने के लिए बहुत सारी चीजें है राइट बहुत सारी चीजें ये लोग सकते हैं आप तो फ्रेंड्स ऐसा लिखा है असीम एंड निहार ए एंड and started a business with a capital of 3 lakh 2 lakh dono partner ki capital 3 lakh and 2 lakh capital means kya business mein invest karne ki right theek hai according to the deed nihar is to get salary 5000 per month nihar ka salary humne fix kiya hai 5000 per month and asim ko bola ki mujhe bhai tujhe 10% commission milega barabar commission kis base pe milta hai to sometimes dekho wo sell ke basis pe hota hai ki tu itna sell karta to tujhe itna commission milega Sometimes ऐसा होता है कि भाई ये जो प्रॉफिट हुआ है ना असीम तेरी वजह से हुआ है तूने बहुत अच्छा काम किया तो एक काम कर जितना भी फॉर्म को प्रॉफिट होगा ना उसका 10% तेरा तो भाई प्रॉफिट आई मीन कमीशन की स्पेसिफिकली डेफिनेशन यहाँ नहीं दी हुई है कि किस हिसाब से बट ऐसा बोला है कि भाई जो भी कमाए उसके 10% आपको उनको दे देने के राइट तो अभी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के अंदर और लिखा है कि The commission is so and so profit after allowing so and so interest on capital ये बार 6% पर है ना देखो अभी तक interest on capital कितना है कहीं पे भी लिखा नहीं था ये बार आपको लिखा है कि interest on capital is 6% पर है ना बहुत ध्यान से करना कोई जरा सा भी टफ नहीं है और लिखा है profit sharing ratio is 3:2 और बोल रहा है कि firm has earned ₹2,50,000 ठीक है चलो firm 2,50,000 earn कर रही है असीम ने तो firm को loan भी दी है बराबर और लोन का इंटरेस्ट भी 8% ये देखो सब कुछ रिटर्न है रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो हमको वो एक्ट के जो हमने रूल्स समझे थे प्रोविजन समझे हैं वो फॉलो नहीं करना है बराबर निहार वाज गिवन अ लोन ऑफ 2 lakh ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज रुपीज यानी बहुत सारी चीजें है क्वेश्चन के अंदर मैनेजर को ये मैनेजर कोई थर्ड पार्टी हो ये हमारा कोई पार्टनर मैनेजर नहीं बना कोई दूसरा पर्सन हमारे ऑफिस के अंदर मैनेजर है उसको भी हमको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है तो सम इज वेरी वाइड बराबर तो क्या क्या है कि पास द जनरल एंट्री एंड दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं तो बोल रहा हूँ पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन दोनों बनाया गया चलो तो ही आपको ज्यादा पता चलेगा ना तो लेट अस प्रिपेयर बोथ द अकाउंट बराबर बोथ अकाउंट वी विल प्रिपेयर राइट चलो तो मेरे साथ साथ बच्चों दो अकाउंट बनाते हैं
एक बनाओगे पीएनएल और दूसरा अकाउंट आप बनाओगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सी दिस इज माय कॉस्ट अकाउंट, और नीचे ही हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, दिस वुड बी माय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, ठीक है, फर्स्ट वुड बी पीएनएल अकाउंट एंड अनदर विल बी पीएनएल अप्रोप्रिएशन. आप भी दोनों ऊपर नीचे अकाउंट बना दो, एक बनाओ पीएनएल और दूसरा बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बराबर. अच्छा, एज यू नो क्वेश्चन के अंदर ऐसा बताया कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट 2,50,000 का था, तो भाई यहाँ सबसे पहले हम लिखते के, देखो प्रॉफिट क्रेडिट साइड ऑलवेज लिखते हैं कि भाई हमारे पास प्रेजेंटली प्रॉफिट है दैट इज ऑफ 2,50,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट है. अच्छा, यू नो के कौन से एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, आपको पता है, अभी मैंने समझाया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, अदरवाइज सारे एक्सपेंस आप पीएनएल में डालते हो, तो वही चीज है. क्या लिखा है, निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, तो मुझे ये बताओ कि क्या निहार को सैलरी दे रहे हो, क्या निहार पार्टनर है, निहार पार्टनर है, सैलरी डेबिट होगी, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, वी नो वेरी वेल कि एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, बट क्या वो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो हाँ भाई हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं. अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो वो पीएनएल में नहीं आएगा, रादर वो कहाँ आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, यस और नो, आप बात को समझ रहे हो बच्चों, अगर वो पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो तो कैनई से आप क्या लिखोगे, सैलरी टू निहार, और 5,000 पर मंथ है तो 12 महीने की कितनी, तो कैनई से इट विल बी 60,000, यस और नो, आर यू गेटिंग मी गाइस, यस और नो, बेटा पता चल रहा है, यस और नो, क्या मुझे आप मैसेज में लिख पाओगे, यू आर गेटिंग मी, कि भाई ये सैलरी क्यों मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखी, क्यों पीएनएल में ना लिखी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसलिए लिखी बिकॉज ये पार्टनर के रिलेटेड थी, अगर पार्टनर के रिलेटेड ना होती तो इसको कहाँ लिखते हम, पीएनएल में लिखते. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्या आप मुझे मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो, यस और नो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी, यस और नो, क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है, यस, यस और नो, बराबर है, समझ में आ रहा है, डन है सब, मुझे मैसेज में लिखो, चलो जल्दी से लिखो, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, चलो चलो बेटा जल्दी लिखो, बराबर है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट आएगा तो प्लीज आस्क मी, जो लोग पूछते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, राइट, ठीक है, तो पहला आपने लिखा सैलरी टू निहार, राइट, अभी हम थोड़ा एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर रहा है, उसके बाद this was the sum, right? उसके बाद की लाइन क्या थी कि भाई निहार को सैलरी दे दी, असीम को 10% कमीशन, वो बाद में आएगी, कमीशन किस हिसाब से देना है वो मैं समझाऊंगा. फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, यार मुझे ये बताओ यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाने के नहीं है, बट फिर भी आपको तो पता है इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसके अंदर कैपिटल का पूछा है, लोन का भी पूछा है, वो बाद में देखेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस है, हम सबको पता है, बट क्या वो पार्टनर के रिलेटेड है, ऑब्वियसली कैपिटल कौन लाता है, पार्टनर लाता है, तो कैन आई से इट इज द एक्सपेंस रिलेटेड विद द पार्टनर, तो कैन आई से कि ये जो आप लोन दे रहे हो पार्टनर को, ये कहाँ है, सॉरी लोन का कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीज की कैपिटल, 2 लाख रुपीज की कैपिटल, तो कैन आई से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंस है और ये पार्टनर के रिलेटेड है, तो कैन आई से पार्टनर के रिलेटेड होने की वजह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैन आई से अगर ए की बात करूँ और बी की बात करूँ, तो कैन आई से 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख के कितने परसेंटेज करोगे, 6%, तो करो चलो 3 लाख × 6% एंड 2 लाख × 6%, इतना आपका एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस किसके रिलेटेड है, तो भाई पार्टनर के रिलेटेड है, इसीलिए आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे 18,000 और नीचे क्या लिखोगे 12,000, तो 18 प्लस 12 करोगे तो कैन आई से यू विल गेट 30,000. क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बहुत आसान चीज है, तो कैन आई से वो भी हम सही तरीके से लिख रहे हैं, या 18,000 बाहर के कॉलम में लिखो 12,000, वो कोई फर्क नहीं है, बराबर. अच्छा, दूसरा हम चेक करते हैं कि भाई उसके बाद क्या लिखा है, असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म एंड लोन का इंटरेस्ट 8% पर एनम. देखो ये एक पार्टनर है, पार्टनर ने फर्म को लोन दी, यानी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस. क्या इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, तो पहली बात तो सही है, इट इज एक्सपेंस. दूसरा क्वेश्चन, क्या वो पार्टनर के रिलेटेड है, हाँ पार्टनर के रिलेटेड है. पार्टनर
के रिलेटेड सारे एक्सपेंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही आते हैं, बट मैंने एक्सेप्शन बताया था एल आर, एल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कैपिटल आई मीन के ये पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस होने के बावजूद भी आप इसको कहां दिखाओगे? एनआई से पीएनएल में दिखाओगे, ये एक्सेप्शन जाता है, राइट? तो कई लोग इसको इंटरेस्ट ऑन लोन इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं, बट आपको कहां शो करना है? इसको पीएनएल अकाउंट में शो करना है। तो एनआई से इट इज 1 लाख रुपीज लोन, और 1 लाख रुपीज का लोन है, किसका किसने लोन दी थी? असीम इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख रुपए की लोन है और 8%। तो कहना ही से यू विल राइट ओवर हियर 8000 रुपीस। यस बच्चों, आप 8000 रुपीस यहां लिखोगे, यस और नो? किसी को ना पता चले तो प्लीज आस्क मी, आर यू गेटिंग मी? क्यों यहां लिख रहे हैं, क्यों पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा? बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई हमने लिखा। आई नो कि ये पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस है, इवन दो उसको हम कहां लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। आई होप यू गाइस आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे, राइट? तो यहाँ 8000 का हमने क्या लिखा है? एक्सपेंस लिखा। उसके बाद लिखा है कि भाई दूसरा केस ये बना। यस विश्वजीत सर बोलते हैं, सॉरी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि सर निहार ने जो लोन दी थी, निहार वॉज गिवन, देखो पैसिव वॉइस है, निहार वॉज गिवन यानी फॉर्म ने निहार को दी थी लोन। कई बार हम फॉर्म को देते हैं, कई बार फॉर्म हमको लोन देती है, तो उस टाइम 11000 रुपीज का इंटरेस्ट निहार ने चार्ज किया था। ऑब्वियसली मैं फर्म को लोन दूंगा तो मैं बोलूंगा कि लाओ मुझे इंटरेस्ट दो, एक ये पोर्शन होता है। दूसरा फर्म मुझे लोन दे तो वो भी मुझे बोले कि लाओ किशन भाई मुझे इंटरेस्ट दो। तो कहना ही थे तब जब फर्म हमको लोन देती है तब हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, और हम उनको इंटरेस्ट देते हैं तो उनके लिए एक इनकम बन जाती है। तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? बट ये उनके लिए इनकम है, वो उनके लिए एक्सपेंस है। सिचुएशन समझ रहे हो? असीम भाई में क्या था कि असीम ने फॉर्म को लोन दी थी, जबकि निहार के अंदर रिवर्स हुआ, फॉर्म ने निहार को दी। तो कहना ही से सिचुएशन टोटली अलग हो गए। दिमाग में जा रहा है? यस और नो? अक्षत आर यू गेटिंग मी? देवन आर यू गेटिंग मी? विश्व आर यू गेटिंग मी? हेमंत, क्या सबको पता चल रहा है? मोहित, क्रिश, प्रीति, रुक्मणी, सबको पता चल रहा है बेटा? 101% यू आर गेटिंग मी? यस और नो? समझ में आ रहा है? 1% भी डाउट हो तो प्लीज पहले से पूछ देता हुआ, कोई भी डाउट हो तो अपने पास मत कर, राइट? ओके, तो भाई उससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर मैनेजर को हम, दूसरा एक मैनेजर था हमारे फॉर्म के अंदर, एक मैनेजर था, उसको 3000 रुपए का सैलरी देना है। तो भाई मैनेजर तो घर का नहीं था, कोई बाहर का मैनेजर था, यानी पार्टनर नहीं था, कोई बाहर का था। तो मैनेजर जो कमीशन होता है वो तो हमारे लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम पीएनएल में दिखाएंगे। तो चलो, दिस इज 2,61,000, दिस इज ऑल्सो 2,61,000 एंड 11,000 रुपीज डिफरेंस। तो कैन आई से इट इज 2,50,000। ये प्रॉफिट हमारा बचा। अभी ये प्रॉफिट हम किसको देने वाले? तो भाइयों बहनों, मेरे पार्टनर को देने वाले। ये जो प्रॉफिट आपका ऊपर आया 2,50,000 रुपीज का, राइट, ये प्रॉफिट हम किसको देने वाले हैं? वो हम अपने पार्टनर को देने वाले हैं, राइट? 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हम पार्टनर को देने वाले हैं। क्या अभी भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? हाँ, अभी एक पॉइंट हमने छोड़ा था एंड वो मैंने बताया था कि ये जो कमीशन जो पार्टनर को दे रहा है ना, वो सबसे लास्ट में करेंगे, वो 10% वाला। देखो, अच्छा, ये अभी की अभी मैं इसका इंग्लिश पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत अच्छा है। इंग्लिश अगर गलत इंटरप्रेट किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, राइट? क्या लिखा है? असीम जो हमारा एक पार्टनर है, असीम एक पार्टनर है, उसको 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो उसके 10% हम असीम को देते हैं। क्यों देते हैं भाई? उसकी मेहनत की वजह से शायद होगा, उसने इतनी भी ज्यादा मेहनत की कि पूरी फॉर्म को प्रॉफिट में लाया, इसीलिए उसको कुछ हम मोटिवेट करने के लिए क्या रहे उनको कमीशन दे रहे। तो 10% कमीशन दे रहे, कब दे रहे? आफ्टर गिविंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट, यानी जितना भी प्रॉफिट बचे, यानी 2,50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 60,000 दे दो निहार को, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को दे दो, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचे आप ही मुझे बताओ। कहने से 2,50,000 प्रॉफिट था, 60,000 निहार ले गया, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? चलो 2,50,000 माइनस 60 माइनस 30, तो कहने से मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा है? 1,60,000 रुपीज का। यस,
तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये करता तो शायद मेरा आंसर गलत आता, क्योंकि इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन आपने देखा हो तो बराबर। चलो अभी हम फिर से वही की वही लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चलो फिर से बता रहा हूँ। सी क्या लिखा है, निहार इज टू गेट सैलरी सो एंड सो, यानी 12,560,000। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन इंटरेस्ट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट टू बी एंड इंटरेस्ट इज टू बी 6% पर एनम। तो ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें एंड का मीनिंग समझो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो। ये लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि खाली के खाली आप निहार को सैलरी दे दो, समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में दो। समझो बात को, इंग्लिश को समझो। यहाँ कोई भी होता तो वैसे तो इंटरप्रिटेशन सबका अलग हो जाता अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो। देखो क्या लिखा है, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग, यानी आप आफ्टर गिविंग समझो, आफ्टर गिविंग सैलरी टू निहार, फिर यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप समझ लो, भले नहीं है फिर भी समझ लो। और ये जो लाइन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो लाइन सेपरेट है समझो, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास 2,50,000 का सैलरी है, प्रॉफिट है, उसमें से मैं 60,000 सैलरी मैं दे दूंगा तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 190 का बचेगा। और 190 के 10% निकालोगे उतना मुझे कमीशन देने का है, बराबर है। तो इंटरप्रिटेशन आप जो कर रहे हैं वो खास समझो, बराबर। शायद आप जल्दबाजी में आके सीधे 1,60,000 के 10% निकाल के 16,000 आ जाते, बट यहाँ लैंग्वेज समझो कि लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा है। आई होप यू आर गेटिंग मी, समझो बात को। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा है कि जितना भी प्रॉफिट बचे उसमें से सैलरी दे दो, उसके बाद उसको कमीशन दो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं की, समझ में आ रहा है। तो कैनई से तो कमीशन जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो, पार्टनर का नाम क्या है, ए है या बी है, असीम है ना, तो ए, तो कैनई से वो क्या आएगा, 2,50,000 में से 60 जाएंगे तो 190 के 10% दैट वुड बी 19,000, बराबर। बट आई बिलीव के इनको ज्यादा क्लियर देना चाहिए था, अदरवाइज स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो सकती है। तो भाई इतना हमारे पास 2,50,000 का टोटल है, अभी डिफरेंस निकाल, 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस 30 माइनस 19 एंड इट इज व्हाट, 1,41,000। और ये जो प्रॉफिट है वो आप दोनों पार्टनर को कौन से रेशियो में दिया है, 3:2 में बांट, 3/5 एंड 2/5, राइट, एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 84,600, राइट, एंड इट विल बी 56,400, यस सर। आपको लिखना हो तो लिख दो। सी पीएनएल अकाउंट कंपलसरी नहीं बनाना, बट आपको आसानी रहे इसलिए मैंने बनाया, राइट। मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर रहा हूँ तो आपको दिखे पूरा सॉल्यूशन, राइट। आई होप यू आर गेटिंग मी। अभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली बेटा, क्या सबको सब कुछ पता चल रहा है? आई विश सबको पता चल गया होगा।